नमस्कार, जय हिंद। तो आज भी मेरे पास काफी सारे अपडेट्स है पूरे YouTube कम्युनिटी और सोशल मीडिया हैंडल से, तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यार आप और भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए यार बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में। सभी बात कर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी शहजादा के बारे में। क्या शहजादा मूवी के मेकर्स को मूवी को रिलीज होने से पहले 3.5 करोड़ का लॉस हो चुका है। तो कार्तिक आर्यन की जो शहजादा मूवी है, यहाँ पर साउथ की एक मूवी अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरम, उसकी यहाँ पर रीमेक है। एंड अला वैकुंठपुरम की जो हिंदी राइट है गोल्ड माइंस ने ऑलरेडी पहले परचेस कर ली, मूवी ना काफी पहले आ चुकी है। गोल्ड मैच अला वैकुंठपुरम का हिंदी वर्जन यहाँ पर YouTube पे 4 फरवरी को रिलीज करने वाले थे। जो शहजादा मूवी यहाँ पर 10 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, एंड क्योंकि यहाँ पर शहजादा मूवी अला वैकुंठपुरम की यहाँ पर रीमेक है, तो इस मूवी को यहाँ पर YouTube पे रिलीज कर दिया जाता है। थिएटर्स में कोई शहजादा मूवी को देखने ही नहीं जाता। देन इसीलिए यहाँ पर शहजादा मूवी के मेकर्स ने गोल्ड माइंस को 3.5 करोड़ रुपए पे किया था कि वो अला वैकुंठपुरम जो मूवी है ना उसको यहाँ पर YouTube पे रिलीज ना करें। YouTube पे वो रिलीज तो करेंगे बट यहाँ पर थोड़ा सा लेट रिलीज करेंगे ताकि जो शहजादा मूवी है उसको यहाँ पर कोई भी नुकसान न हो। देन इस चीज के ऊपर ना मैन ऑफ कल्चर जो रिसेंट पॉडकास्ट वहां पर वो रिएक्ट भी करते हैं। उस पॉडकास्ट की एक छोटी सी क्लिप से अगर तो भाई कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे शहजादा आ रही है तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 4 फरवरी को हम लोग वैकुंठपुरम का हिंदी डब YouTube पे डाल देंगे। हाँ भाई, अब तो सोचो ऐसे में अब जब 3 तारीख है तो ऐसे में शहजादा वाले क्या बोलेंगे कि ओरिजिनल पिक्चर हिंदी में फुकड़ में देखने मिल रही है लोगों को। तो फिर वही होता है कि फिर वो अंदर से कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट होता है, फिर वो रोक देता है। हाँ नहीं, शायद 2-3 करोड़ रुपए पहले था कि ना डालने के लिए, लेकिन अब डेट आ गई रिलीज डेट के बाद। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत के जो हस्बैंड है ना अनिल दुरानी, उनको जो अभी मुंबई पुलिस के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर क्यों अरेस्ट किया गया यहाँ पर उसको लेकर काफी सारे आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राखी सावंत ने उनके आगे हस्बैंड के अगेंस्ट यहाँ पर एक पुलिस केस दर्ज करवाया था, FIR करवाई थी। तो वहाँ पर राखी सावंत उनके अगेंस्ट में काफी सारे एलिगेशंस लगाए, लाइक वहाँ पर मिसबिहेव करते थे उनके साथ में, उनको मारते थे पीटते थे, इसके साथ में उनकी जो ज्वेलरी वगैरह उन्होंने बेच दी थी, उनका प्लॉट का पैसा था वो भी सारा सारा वो खा गए। इस तरीके से काफी सारे एलिगेशंस लगाए जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करी। उसके बाद जो राखी सावंत के हस्बैंड थे ना उनको अभी जो अरेस्ट कर लिया गया। इस कंप्लीट आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर एल्विस यादव के बारे में। तो क्या एल्विस यादव की इनकम रिवील हो चुकी है? तो एक यूट्यूबर है ऋतिक महलावत, जिनका की चैनल आप देख ही सकते हो, इन्होंने कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जहां पर एल्विस यादव की इनकम को रिवील करते हैं। वहां पर एक तरीके से एक्सपोज भी करते हैं एल्विस यादव को, जहां पर बताते हैं एल्विस यादव काफी सारे गैम्बलिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, उनसे अच्छा खासा पैसा लेते हैं। वहीं पर एल्विस यादव के और भी जितने भी बिजनेस है, जितने भी चैनल्स है ना जहां जहां से अर्न करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एंड वो बताते हैं कि एल्विस यादव टोटल अभी तक कितना अर्न कर चुके हैं, वो कितना अर्न यहां पर मंथली करते हैं। वीडियो की एक छोटी सी क्लिप से अगर तो भाई कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बार तो ये लोग बोलते कि भाई थोड़े कम पैसे लगा लेना मजे के लिए, 100-200 लगा लेना। अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट है, मतलब पॉकेट मनी टाइप है, जितना भी आप लगाओगे ऑब्वियसली उसके ऊपर ही होता है। बट भाई पहले ही बता दूं कि एडिक्शन शुरू ही छोटे अमाउंट से होती है। कोई लाख रुपए लेके नहीं बैठते अपने फर्स्ट गेम में, धीरे धीरे ही पैसे लगाना शुरू करते हैं लोग। और सही बताऊं तो जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो आपको लोग नहीं दिखते, आपको दिखते भीड़। फिर इन इन्फ्लुएंसर का होता है कि भाई जितने पैसे अभी आ रहे हैं अभी कमा लेता हूं, बाद का कुछ भी नहीं पता। देखो ये इन्फ्लुएंसर एक्टर सिंगर्स की लाइफ काफी छोटी होती है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर सिंगर है एक्टर्स है जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे बट अब उनको कोई नहीं जानता। हमारी जो अगली अपडेट है वो एल्विस यादव के बारे में ही है। एल्विस यादव इस चीज को लेकर न्यूज बॉय से बिल्कुल भी खुश नहीं। तो न्यूज बॉय ने कल वाले वीडियो में एक न्यूज कवर किया था एल्विस यादव का, जिसका की टाइटल था एल्विस यादव पॉक सौरभ जोशी। तो न्यूज बॉय का वीडियो देखना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एल्विस यादव जो ना इसी न्यूज के ऊपर कवर करते हो आज वाले अपने रिसेंट ब्लॉग में बात कर, देखिए वो क्लिप भी। अब न्यूज बॉय कल न्यूज बढ़ा देगा एल्विस ने पॉक किया न्यूज बॉय को। मेरे को तभी पता लगी वो बढ़ा रखी न्यूज मेरी, सौरभ जोशी को पोक करा एल्विस ने। भाई ऐसा तो कुछ नहीं करा मैंने यार, दिखाने एक बारी भाई न्यूज वो है भाई। एक बहुत पॉपुलर वीडियो व्यूज का न्यूज साइकिल में जो 40 मिलियन से ज्यादा। हां बहुत अच्छी बात है, क्या कहे आपको देगी। अरे इससे पहले सुनाओ नु करा पोक करा पोक थोड़ी करा मैंने यार। देख पोक कहाँ करा मैंने पोक करा आपने छेड़ा भाई। हाँ जी हाँ, मेरा तो भाई है सौरभ जोशी, पोक करा बात कर। पोक कहाँ ऐसे इसमें आ गया पता नहीं, इसने सिंपल सी चीज़ है, देखे कि व्यूज कहाँ से आएंगे। हाँ भाई मैंने अपना डाल दिया कैमरा, इस पे भी आ जाओ। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सब बात कर ले पठान मूवी के बारे में। तो पठान मूवी के अंदर में शाहरुख खान की जो बॉडी थी क्या वो रियल नहीं थी? यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी या फिर जो फेक बॉडी होता है ना उसका उन्होंने क्या यूज किया था? विकास आहिर जो यहाँ पर एक ट्वीट किए थे जहाँ पर आप देख ही सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर इमेज शेयर किया, यहाँ पर लिखा पठान का कलेक्शन उतना ही सजे जितना की इस फोटो में है। लेकिन भाई देखने से तो फोटो यहाँ पर टोटली एडिटेड लग रही, बाकी आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कॉमेंट करके जरूर से शेयर करना। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। सभी बात कर टेक्निकल गुरुजी के बारे में। टेक्निकल गुरुजी रेट के हेड के ऊपर उनके अगेंस्ट में काफी सारे ऐसे एक्सपोज वीडियो
एंड काफी सारे हेट वाले वीडियोस बनते हैं। आपको पता होगा टेक्निकल गुरुजी के अंगे इसमें अभी ऐसे काफी सारे वीडियोस बन रहे जहां पर बताया जाए टेक्निकल गुरुजी की डाउनफॉल आ गए थे इस तरीके से। अभी क्या हुआ, टेक्निकल गुरुजी का ना रिसेंट एक पॉडकास्ट है इस वाले चैनल पे, आप इस चीज के बारे में बात करते हैं। उस पॉडकास्ट की एक छोटी सी क्लिप शेयर कर दो भाई, कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नया भी नहीं आ रहा है, अब घर बैठे क्या नया कर लेंगे। और उस टाइम पे पता नहीं कितने लोगों ने वीडियोस बनाया, टेक्निकल गुरुजी इज ओवर, इज डाउनफॉल, ये वो। अब मुझे उस टाइम पे हंसी आए, हंसी किस बात पे आए, यार मैं और राहुल तो रोज मस्तियां कर रहे हैं, मेरी तो लाइफ मजे से चल रही है, क्या डाउनफॉल है, कोई डाउनफॉल नहीं है, मैं तो मजे कर रहा हूँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं रहा इस बारे में। अच्छा मुझे पता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज टू बी डन, वो तो मैं करूंगा ही, जब मौका मिलेगा तब करूंगा, जब टाइम आएगा तब करूंगा, अब कैसे कर लूं कोविड के बीच में। अब वो जो लोग हैं, चलो इन अ वे, चलो खैर सबका भला करे भगवान, यू नो उनको मौका मिल गया इस बहाने, लेकिन मेरे को फोन करके बात करते ना कि गौरव भाई सब ओके हो क्या। हाँ चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, सब बात करते ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने फाइनली कंप्लीट कर लिया 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया था, क्रॉस 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, नेवर थॉट दिस डे वुड कम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सेइंग वैल्यू इन माय कंटेंट, हेल्पिंग मी इंप्रूव कंटिन्यूअसली, देयर विल बी अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर द ओकेशन लेटर दिस मंथ। उनका 10 मिलियन स्पेशल कोई बहुत ही जल्दी हमें वीडियो देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, सब बात कर ट्रिगर इंसान के बारे में। ट्रिगर इंसान मिले उनके एक पाकिस्तानी फैन, ट्रिगर इंसान के जो पूरी फैमिली यहाँ पर टर्की गए हुए घूमने, वहीं पर उनका एक पाकिस्तानी फैन मिलता है, वहाँ पर काफी क्रेजी सीन होता है क्योंकि आप देख ही सकते हो। क्या रिक्वेस्ट भाई, तू जो बोलेगा वो करूँगा मैं, मुझे पाकिस्तान आना, बिल्कुल हम आपको वर्क करेंगे। तो मेरे को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है? बिल्कुल जी, मेरे सारे दोस्त स्कूल वगैरह सब इनको पसंद करते हैं, तो भाई ये पाकिस्तान आ जाए तो लाइक आई थिंक काफी। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि देख मेरे जो YouTube स्टार्ट रेशियो है ना, उससे मेरे को पता चलता है कि 20-25% ऑडियंस मेरी जो है वो पाकिस्तान से है, जो मतलब पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है। तो बात तो सही है, आना तो बनता है, पर कब वो हम ऑफ कैमरा डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। फकरा भाई को भी बुलाएगा क्या? ये भी बिल्कुल नहीं, इसको नहीं रहा, इसको रहने दे, तू जा भी नहीं पाएगा। बात तो सही है। सुबह सर आज की सारी सारे अपडेट, आई होप वीडियो आपको लग रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के लिए, सब्सक्राइब कर लेना।